बताओ कि मैंने देखा कि जब घर बन रहे हैं ना, सब पीला रंग का लगा रहे हैं उसके आगे से बाहर से, मतलब पीला पत्थर ही निकलता है, पीला नेचुरल पत्थर निकलता है सर, येलो। अच्छा, वो नेचुरल पत्थर है वो लगा रहे हैं, मतलब सीमेंट वालों ने कुछ तो होटल में लगा रखा है, वो होटलों का अलग होगा, लेकिन लोकल में यही चलता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग निकले हैं यहाँ पे सनराइज देखने लेक के पास, तो हम पैदल ही जा रहे हैं, गाड़ी हमारी सेंटर में बिल्कुल, यहाँ से सब जगह जो भी डिस्टेंस है सब ऐसे ही 10-15 मिनट की वॉक है ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स गो, लेक एक्सप्लोर करते हैं। अभी ना बिल्कुल सुबह का टाइम है, तो अभी तो सारा खाली है, देखो चारों तरफ। लेक के पास ये कैफे है फायर किचन, और इस साइड पर जैसा है वो भी रेस्टोरेंट ही है, और इनके बीच से जा रहा है रास्ता। रास्ता भी सुबह बंद है, तो हम साइड से होके ऊपर जा रहे हैं लेक का व्यू लेने के लिए। ये आ गए हैं लेक पॉइंट पे। और यहाँ नीचे से सभी ऊपर से आपको दिखाया था। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जुम्पी बंदर, बंदर है वो, तो छोटू बंदर है, छोटू मंकी बंदर खेल रहे हैं और सामने हो रहे हैं चांद, और ये है सूरज। तो अभी हमने देखा सनराइज, और ये मेरे पीछे है गडिसर लेक, ये है पीछे गडिसर लेक, और यहाँ पे है पूरा ये ओपन स्पेस, तो ये पार्किंग के लिए यूटिलाइज होता होगा, लेकिन अभी तो कोई गाड़ियाँ खड़ी नहीं है यहाँ पे, तो ये गडिसर लेक है और पास पास ही रहती है, और पीछे आपको वहाँ दिख रहा होगा फोर्ट लास्ट में कोने में। बैक टू होटल, पैक वैक करते हैं, कुछ खाते वाते हैं, फिर फोर्ट विजिट करेंगे। क्या हो जाएगी, चॉकलेट, 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 चॉकलेट तो खत्म हो गया। गाय का बेबी। तो इधर के सारी गलियां ना ऐसी हैं, यहाँ पे काफी पुराने पुराने घर बने हैं, हवेली वो चीज है जहाँ पे सेठ लोगों का घर होता है, तो घर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। आओ देख लेते हैं एक बार, हवेली की तरफ जा रहे हैं अभी हम, पटरू की हवेली, और इस तरह की कुछ गलियां हैं जो साइज थोड़े छोटे हैं कंपेरेटिवली, जो हवेली होगा हवेली की बड़ा ही होगा, क्योंकि वो है काफी सेठ लोगों का, तो उन्होंने बड़ा बड़ा घर बनाया होगा। और अभी हम गली से होते हुए जा रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, और दूसरे रास्ते भी होंगे, लेकिन हम किसी दूसरे रास्ते से आए हैं, तो ये थोड़ा गली टाइप का है, इसमें गाड़ियां नहीं आ रही। ये पटुओं की मैं हवेली किधर पड़ेगा सीधा, अरे सामने वाला ही है, ये लग भी रहा है ना, एक बड़ा सा घर है किसी का। तो पटुओं की हवेली में जो जमीन थी उसमें मर्ट का यूज किया गया था, इनकी मिट्टी का, और जो छत थी उसमें लकड़ी का यानी कि वुड का, ताकि उसको कूल रखा जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसलमेर एक गर्म सिटी है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए ये किया गया था। और इनके अंदर आपको उस टाइम के रॉयल जो लोग रहते थे क्या चीज़ यूज करते थे, कैसा सामान था, वो सब आपको देखेगा। फोर्ट की पार्किंग है, कितने की है, 60 रुपए। पूरा फोर्ट पार्किंग इधर भर चुका है, वहाँ लगा दो, फिलहाल घूमने जाना आपको। हाँ, पार्किंग यहीं कहीं करनी है, जहाँ जगह मिल जाए आपको वहाँ कर देनी है। ऊपर भरा भरा हुआ है, तो ऊपर देख के आ रहे हैं हम लोग, और मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे जाना है वापस। तो ये फोर्ट के चारों तरफ पार्किंग है, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ लगा दीजिए, और जितना पास लगाओगे उतना कम चलना पड़ेगा। सब जगह, तीनों जगह पार्किंग अवेलेबल है, और सब जगह पार्किंग अवेलेबल है, मतलब सब एक ही पर्ची सब जगह चल जाएगी बताया। चलो आओ एक्सप्लोर करते हैं, पहले तो फोर्ट देख लेते हैं। दादा अभी किले से बाहर थे, प्रजा अंदर रहती है, फोर्ट के अंदर उल्टा सिस्टम है, वो सामने बुर्ज बना हुआ है, कबूतर वगैरह बैठे ना, वो वेरी साल बुर्ज बना हुआ है, वेरी मतलब दुश्मन। यहाँ पे रणछोड़ जी का मंदिर है, रणछोड़ जी कृष्ण है ना, रणछोड़ के जो भागे थे। सूर्य जी पहले गिरे ने किला बनाया था 1100। इसके अंदर पूरा कोला नहीं है मैडम जी। कितने साल पुराना? 450 ईयर ओल्ड। राजगुरु जी जो सलाहकार होते हैं राजा के, उनका हवेली बना हुआ है। इसके ऊपर टॉप पे जाएंगे पूरे जैसलमेर का व्यू दिखेगा। यहाँ पे 50% टिकट है उसकी, इसके बाद अपन मंदिर चलेंगे, वहाँ सामने पानी तो एक ही पत्थर है जी, तो उसमें एक ही पत्थर का कलर है, नेचुरल कलर है। ऐसा कैसे हो रहा है, कहीं पे कार पर कहीं पे ऐसे हाथ लगता है, जैसे पानी लगता है वैसे पानी चलता है। ये ओरिजिनल कलर है,
उसके ऊपर जितना चलते उतना पॉलिश होता है, पत्रिया का फेमस है, विदेशों में जाता है पानी आने के लिए। मगरमच्छ का मुंह, मगरमच्छ, मगरमच्छ का मुंह, मगरमच्छ धीरे पापा 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 पगड़ी में क्या फर्क है? पगड़ी असल अलग लगे, जिनकी जो जाति थी वो साफा लगाया करते, जैसे नाई का जाति, विष्णु जाति, जाट जाति। ये लकड़ी का फ्रिज। इसके बाद हम यहाँ से निकले यहाँ के फेमस पटवों की हवेली को देखने के लिए। ये बाकी लोगों की हवेली है, वो पूरा बता दे। पांच भाई थे, दो टिकट मेरे पास, पर्चा एक होता याद रहेगा। चलो पूछो। वेलकम टू पटवा हवेली। जो हवेली आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पटवों की हवेली। पटवा कोई नाम और जाति नहीं है, पटवा एक टाइटल है, उपाधि है, जो जैसलमेर के राजा के द्वारा अपने जैन भाइयों को दिया गया। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया है। डेमो के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। बात करते हैं इनको टाइटल पटवा क्यों मिला। इंडिया में ग्लास का वर्क नहीं था, बेल्जियम कंट्री से ग्लास बोलते कपल पेन, हस्बैंड वाइफ पेन, हस्बैंड वाइफ में हवा के लिए झगड़ा था। अगर बाई चांस झगड़ा हो गया, हस्बैंड एक तरफ वाइफ दोनों तरफ हवा करेगा झगड़ा सॉल्व, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तुम्हें का जॉइंट डाला है, एक साथ दो चाबी लगेगी तभी खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। एक चाबी सेठ जी के पास, एक सेठान जी के पास, अगर बाई चांस झगड़ा हो गया तो ताला नहीं खुलेगा किसी एक को। बात सुनो, बारह जन्म राशियाँ होती है, बारह तरीके के ताले हैं। सेठ को ताले हर में लगते पांच मिनट, सेठानी को लगते पांच घंटे। दूसरा सबसे पुराना लिविंग गवर्नमेंट का बंद है, थर्ड नंबर अंदर से डैमेज इसके लिए बंद है, फोर्थ नंबर रेजिडेंस का परिवार आज भी देता है, फिफ्थ नंबर गवर्नमेंट का 50 रुपए खाली, वेल मेंटेन सामान के साथ। ये हमने सेकंड गाइड थे हमारे साथ जो यहाँ पे थे, जो पटवा के हवेली में थे, डिफरेंट, और ये बहुत बेस्ट आदमी थे और बहुत ही बेस्ट इन्होंने हमें गाइड किया था। और आपको एक बार पार्किंग पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी पार्किंग है। ये यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे आने का रास्ता थोड़ा सा सकरा है लेकिन पार्किंग यहाँ पे इतनी अवेलेबल है, तो आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो पटवा के हवेली में पार्किंग तो है लेकिन गूगल मैप भी बहुत अलग रास्ते लेके जाता है और छोटी सी पार्किंग है, ठीक है, मतलब। बट मैं तो प्रेफर करूँगा आप लोग कि आप जैसलमेर फोर्ट पर गाड़ी खड़ी कर दो और वहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग होगा, वहाँ से वॉक करके आ जाओ तो और आप लोकल जैसलमेर को भी एक्सप्लोर कर पाओगे। तो अपना जैसलमेर अभी डन हो गया, अब हम निकल रहे हैं राजस्थान ट्रिप की अपनी अगली डेस्टिनेशन में, जो कि होने वाली है जोधपुर। तो टू द जोधपुर। जब तक चिप्स खा रहे हैं बताओ कि अगर जैसलमेर में तुम्हें टॉप स्पॉट बताने हो ऑर्डर में तो क्या रहेंगे, कैसे? सबसे पहले सफारी, ऊंट वाली राइड, बॉर्डर वाला। स्टे के मामले में कौन सा ज्यादा सही लगा तुम्हें, होटल या फिर वहाँ पे जो टेंट वगैरह? टेंट बढ़िया था, टेंट सही है ना।